साई पल्लवी ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2015 ईस्वी में आई मूवी प्रेमम से किया था। इस मूवी में साई पल्लवी, निविन पाउली, अनुपमा परमेश्वराय, सीतू विल्सन थे। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन सब भैया ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। सन 2016 ईस्वी में साई पल्लवी की दूसरी मूवी काली रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, विनायकन, सुबीन साहिर, कुंचन, सीनी अब्राहम थे। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ 14 लाख रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2017 ईस्वी में साई पल्लवी की तीसरी मूवी फिदा रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, वरुण तेज, हर्षवर्धन रौने, गायत्री गुप्ता थे। इस फिल्म का बजट 14 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसी साल साई पल्लवी की चौथी मूवी मिडिल क्लास अब्बाई रिलीज हुआ। इस मूवी में नानी, साई पल्लवी, भूमिका चावला, विजय वर्मा, मानी वेनेला किशोर थे। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2018 ईस्वी में साई पल्लवी की पांचवी मूवी दिया रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, वेरोनिका अरोरा, एंथनी स्टंट सिल्वा, रेखा सुजीता थे। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2018 ईस्वी में साई पल्लवी की छठी मूवी परी परी नीचे मनासु रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, सुनील सर्वानंद, मुरली शर्मा, वेनेला किशोर, संपत राज थे। इस फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 16 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2018 ईस्वी में साई पल्लवी की सातवीं मूवी मारी 2 रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, धनुष, टोविंगो, थॉमस, कृष्णा, विधया, काली वेंकट थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2019 ईस्वी में साई पल्लवी की आठवीं मूवी अथिरन रिलीज हुआ। इस मूवी में फहाद फाजिल, साई पल्लवी, प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी, लीना थे। इस फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसी साल साई पल्लवी की नौवीं मूवी एनजीके रिलीज हुआ। इस मूवी में सूर्या, साई पल्लवी, रकुल प्रीत सिंह, जगपति बाबू थे। इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2020 ईस्वी में साई पल्लवी की दसवीं मूवी पाबा कढ़ाई गर्ल रिलीज हुआ। इस मूवी में कालिदास, जयाराम, साई पल्लवी, जफर सादिक, अंजलि, आदित्य भास्कर थे। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2021 ईस्वी में साई पल्लवी की 11वीं मूवी लव स्टोरी रिलीज हुआ। इस मूवी में नागा चैतन्य, साई पल्लवी, देवायनी, ईश्वरी राव थे। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल साई पल्लवी की 12वीं मूवी श्याम सिन्हा रॉय रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, नानी, कृति सेट्टी, मनीष वाधवा, राहुल रविंद्रन थे। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2022 ईस्वी में साई पल्लवी की 13वीं मूवी विराटा पर्वम रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, राणा दुगुबती, नंदिता दास, प्रियामणि, नवीन चंद्रा थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल साई पल्लवी की अगली मूवी गर्गी रिलीज हुआ। इस मूवी में साई पल्लवी, ऐश्वर्या लक्ष्मी, आर एस शिवानी, काली वेंकट, जया प्रकाश थे। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 97 लाख रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।